जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एम नाम वाले जातक एवं भी नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जो भी एम नाम वाले जातक होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। मित्रों, इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में आजाद होना, स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में किसी भी इंसान के अंदर में रहना ज्यादा पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि भी नाम वालों की बात करें तो भी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद शांत होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं एवं इसके अलावा इस नाम के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जिद को, अपने हठ को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जिद के सामने में, अपने हठ के सामने में किसी और इंसान की बातों को, किसी और इंसान के जरूरतों को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है उसमें आपसी तनाव, आपसी मनमुटाव बहुत ज्यादा होता है एवं ऐसे समय में आप दोनों को परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होता है। मित्रों, एम नाम वाले जातक एवं भी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रूप से सही रहेगा। यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप अवश्य कमेंट कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।